नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भूकंप को लेकर। अंडमान सागर में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूगर्भ विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। रात्रि 10:16 पर यह भूकंप आया है। NCS के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र जमीन के भीतर 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप से किसी तरह के जान व माल के नुकसान होने की आशंका नहीं है, लेकिन लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। बता दें कि इससे पहले मार्च के अंदर भी अंडमान में भूकंप आया था, उस वक्त भी 4.2 की रफ्तार से भूकंप आया था। भूकंप के झटके भी रात के समय करीब रात्रि 11:32 पर आया था। उस वक्त जमीन के अंदर 67 किलोमीटर की गहराई में यह भूकंप आया था, लेकिन अब फिर से अंडमान के अंदर भूकंप आया है। और ये भूकंप ऐसे समय में आया है जब भारत में जल प्रलय देखने को मिल रहा है। इस समय कई राज्यों के अंदर मूसलाधार बारिश के चलते भयंकर बाढ़ बर्बादी देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली का सबसे बुरा हाल है, दिल्ली के अंदर पानी ही पानी हो गया है। दिल्ली के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी मूसलाधार बारिश हो रही है। मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर भी तूफानी बारिश हो रही है। लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अंदर भी भयंकर भूस्खलन और भारी बारिश देखने को मिल रही है। बता दें कि दिल्ली के अंदर 5 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं इससे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर आकाशीय बिजली गिरने के चलते 25 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। और अब दोस्तों अंडमान के अंदर भूकंप की घटना देखी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी से विनती है कि भारी बारिश, आंधी तूफान के चलते बाहर ना निकलें, कच्चे घरों के अंदर ना रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। वर्तमान में आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।